नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनेश कौशल और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप सभी का बहुत सारा कमेंट था कि प्लीज़ पप्पू का हाईवा चलाने सिखाइए। तो आज वो दिन आ चुका है कि मैं पप्पू का हाईवा चलाने सिखाने वाला हूं। तो पप्पू का आप लोग अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं कार वाला कि हाउ टू ड्राइव का, तो इस आई बटन पर जाके देख सकते हैं। पप्पू ने बहुत ही बेहतरीन तरह से वो कार चलाया था और पप्पू का और एक वीडियो है, आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, हाउ टू ड्राइव ट्रैक्टर। पप्पू का वो भी वीडियो बहुत ही अच्छा चला है, तो वो भी वीडियो इस आई बटन पर देख सकते हैं। तो चलिए आज सिखाने वाले हैं पप्पू को हाईवा। तो सबसे पहले हाईवा को एक नज़र दिखाते हैं आप लोगों को हम, ठीक है। ये 10 चक्का है BS4, देख सकते हैं चारों तरफ से, एक नज़र दिखा लेते हैं सबको, ठीक है। तो चलिए पप्पू से ही पूछते हैं कि पप्पू हाईवा चला पाएंगे कि नहीं। पप्पू जी, आपको क्या लगता है कि आप इस हाईवा को चला लेंगे? मुझे तो लग रहा है कि चला लेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले भी जब ट्रैक्टर चढ़ा था चलाने के लिए, मैं पहली बार जब ट्रैक्टर चला रहा था तो मुझे थोड़ा डर टाइप का लग रहा था। जब वो चला लिए फिर कार भी, जो कार एकदम कार और ये तुमको सेम लग रहा है, क्योंकि कार भी एक ही साइड हैंडल है और एक साइड नहीं है, वो उसको हमको अपने से मेंटेन करके चलाना पड़ता है। मतलब आप साइड जजमेंट के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, वही साइड। अच्छा, मतलब साइड जजमेंट में आपको अभी भी तकलीफ है क्या कार में? वो थोड़ा थोड़ा हट गया है। हट गया है, बिल्कुल भी चला सकता हूँ, खाली इसका थोड़ा सा मालूम रहना चाहिए कि इसका ब्रेक जो है, जो ब्रेक है और हैंड ब्रेक है, ये सब हमको मालूम नहीं है ना, ये सब में बहुत ज़्यादा सिस्टम रहता है। अच्छा, मतलब पप्पू जी का कहना यही है कि पप्पू जी चला लेंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि इसका हैंड ब्रेक कौन सा है, इसका ब्रेक किस तरह से लगता है, क्योंकि इसमें एयर ब्रेक होता है, एयर ब्रेक का क्या सिस्टम है। तो कोई बात नहीं पप्पू, इस चीज़ को हम पूरा आपको बताएंगे हम। तो चलिए पप्पू जी को हम सिखाने वाले हैं आज कि हाईवा कैसे चलाया जाता है। तो पप्पू जी, आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से चला पाएंगे? मतलब क्या लगता है आपको, अभी डर लग रहा है क्या? नहीं, डर थोड़ा थोड़ा लग रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ नया चलाते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि वो चीज़ के बारे में मुझे जानकारी अच्छी तरह से नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं जब तक थोड़ा सा एक बार हाथ नहीं लगाऊंगा तब तक मैं नहीं, थोड़ा डर हटेगा थोड़ा। देखिए, तो सबसे पहले पप्पू जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप चलाइएगा, ये एरोप्लेन क्यों ना चलाइए, आपको थोड़ा सा पहले हिम्मत रखना पड़ेगा। हाँ, डरिएगा शुरुआत में तो आप नहीं कर पाइएगा कोई भी काम लाइफ में। कोई भी काम अगर आपको थोड़ा सा पहले आप नेगेटिव सोच लीजिएगा कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज़ आप बिल्कुल कभी भी नहीं कर सकते हैं। मतलब हमेशा डर बना रहेगा, आप चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। तो आपका एक हिम्मत होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए कि इस चीज़ को मैं चला कर रहूँगा, और उस चीज़ में आप हमेशा आगे होइएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पप्पू जी के साथ कि कैसे हाईवा को चलाएंगे, और आप लोग कभी इसके साथ पप्पू जी के साथ साथ आप लोग कभी हम बताएंगे कि हाईवा को कैसे चलाया जाता है। तो चलिए पप्पू जी, सबसे पहले आप बैठ जाइए। तो पप्पू जी देखिए, गेट खोलते ही आपका कुछ इस तरह से नज़ारा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट अंदर से खुलने का लॉक है, ये यहाँ से आईना को चढ़ाया जाता है मिरर को, और ये हैंडल पकड़ने का है, और यहाँ से भी हैंडल को पकड़ के, क्योंकि ये बड़ा गाड़ी है तो यहाँ पे चढ़ के इसको पकड़ के हम लोग चढ़ना पड़ता है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है जानते हैं पप्पू जी? क्या ये लीवर है डाला उठाने वाला, इस डाला को उठाया जाता है। हाँ। ये डाला को कैसे उठाया जाता है, अगर आप ये वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस आई बटन पर जाके देख सकते हैं, मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। और इसको क्या यूज है जानते हैं? ये शायद हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक ही है, हैंड ब्रेक नहीं है। इसको किस तरह से यूज करना है पता नहीं। देखिए, इसको ये जो लॉक है, हाँ, बटन है, इसको ऊपर की ओर, इसको ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है। हाँ। ये अभी लगा हुआ है, अभी बीच में देखिए ये हैंड ब्रेक छूट गया। क्या हुआ? छूट गया, हैंड ब्रेक हट चुका है। अब इसको जब हैंड ब्रेक लगाना है गाड़ी में, तो इसको उठा के दोबारा इस तरह से पीछे कर देना है। ये क्या हुआ, हैंड ब्रेक लग चुका है गाड़ी में। और ये डिफरेंशियल लॉक है, अगर मतलब डिफरेंशियल लॉक ये है, मतलब है कि जब कभी आपका गाड़ी फंस जाएगा, तो डिफरेंशियल लॉक का मतलब ये होता है कि ये वाला चक्का जो है, ये साइड वाला चक्का लॉक हो जाएगा और पीछे का वो साइड वाला चक्का लॉक होगा। अगर ये वाला चक्का लॉक होता है तो उस साइड का अपोजिट में वो चक्का लॉक होगा, समझिए। मतलब कभी भी आप कीचड़ वगैरह फंस जाएंगे तो डिफरेंशियल लॉक को इस तरह से कर दीजिएगा पीछे की ओर, तो ये क्या हुआ, एक एक करके चक्का घूमेगा, तो आसानी से आप उस जगह से आप निकल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप गाड़ी में बैठ जाइए।
अब बताइए आपको किस तरह से महसूस हो रहा है, आपको डर फीलिंग हो रहा है क्या? नहीं, अब डर फीलिंग नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, बिल्कुल डरना भी नहीं है। अगर आप डर जाइएगा पहले तो क्या होगा, जो डर गया सो मर गया। तो चलिए पप्पू के साथ साथ आप सभी को हम बता दें कि इसका क्या यूज है। इसे कहते हैं एस्केलेटर, इसे कहते हैं ब्रेक, और इसे कहते हैं क्लच। तो शायद आपको अच्छी तरह से मालूम ही होगा कि इसका क्या क्या यूज है, किस तरह से यूज करना चाहिए। ये तो सेम कार की तरह है। बिल्कुल कार की तरह है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक्सलेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है। लेकिन इसमें देख सकते हैं ब्रेक थोड़ा सा दूसरे टाइप से दिया गया है। ट्रक बस में अगर हमेशा इसी तरह से रहता है, ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। तो चलिए पप्पू जी स्टार्ट कीजिए गाड़ी को, आप चला लीजिएगा। एक बार थोड़ा बता दीजिए क्योंकि पहला दिन है ना, ये पहला गाड़ी है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा आपको बिल्कुल जानकारी चाहिए इसके बारे में। इसके बारे में जानकारी थोड़ा चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे चाबी है जिस तरह से, ठीक है, ये चाबी डालना है क्लच दबा के। क्लच दबाइए, क्लच दबा के ही कोई भी गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, क्लच दबा के गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला चीज़ क्या ध्यान देना है, हैंड ब्रेक आपको डाउन करना है। ठीक है, हैंड ब्रेक को क्या करना है, डाउन करना। तो किस तरह डाउन कीजिए बताइए, अभी आपको पता है नाम उसको ऊपर उठाइए और नीचे कीजिए, इसको नीचे करके इसको छोड़ दें। देखिए ये हैंड ब्रेक क्या हो गया, छूट गया, डाउन हो गया। उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, सीट बेल्ट बांधना है। उधर सीट बेल्ट है, देखिए हो गया। तो क्या पप्पू जी आप रेडी हैं? देखिए आप सीट बेल्ट बांधनी है, आप गाड़ी को गियर में आते पहले सबसे पहले अभी न्यूट्रल कर लीजिए, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, हो गया। आप देखिए इसमें क्या है, गाड़ी को मतलब गाड़ी हाईवा ट्रक जितना भी बस है, मतलब एयर बैग वाला गाड़ी, तो इसको तभी बढ़ाइएगा जब तक ये देखिए यहाँ पे एयर ब्रेक का मीटर है, इसको हमें चेक कर लीजिएगा कि ये जो रेड जो सिंबल है, ये रेड से कांटा नीचे नहीं होना चाहिए। ये अगर रेड से कांटा नीचे होगा, देखिए दोनों साइड है, रेड से कांटा अगर नीचे हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ब्रेक नहीं लगेगा। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा गाड़ी को स्टार्ट रखिएगा, जब तक ये 6, 8, 10 तक नहीं चला जाएगा तब तक गाड़ी को बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो चीज़ हमेशा रिस्क हो जाता है कि आगे जाके आपका ब्रेक नहीं लग सकता है। ठीक है, तो गाड़ी बढ़ाने से पहले सबसे पहले ये चीज़ को चेकआउट कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ गियर लगाना है, तो जानते ही है गियर, देखिए इसमें गियर किस तरह लगाना है, इसे समझ लीजिए पहले गियर को फंडा। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप गियर को लगाइएगा, सबसे पहले गाड़ी में कोई भी गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी पर बैठिए, अपनी गाड़ी का सिंबल देखिए गियर का किस तरह से ये सिंबल है, और ये माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, क्योंकि जब आप गाड़ी को चलाइएगा तो आगे की ओर हमेशा ध्यान देना है और गियर अपना माइंड में रखना है कि किस जगह पे कौन सा गियर है, और अपना माइंड पे ही याद रखना है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है कि इस जगह पे ये गियर है, और बिल्कुल आपको आगे की ओर ध्यान देते हुए गियर आपको चेंज करना है, कभी भी गियर की ओर देख के चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप और एक चीज़ है कि इसमें देखिए ये सारा फंक्शन है बटन हाईवा में, तो अगर आप खाली गाड़ी चला रहे हैं तो क्या करना है, इसको ये हरा वाला बटन को दबाना है। लोड गाड़ी चला रहा है मतलब गाड़ी आपका नहीं खींच पा रहा है, तब ये लोड गियर देना, ये लोड गियर हो गया। ठीक है, इसको खाली गाड़ी पे चलाना है तो इसको क्या करेंगे, ये हरा बटन दबा देंगे, हरा ग्रीन हो गया। ठीक है, हॉर्न को एक बार चेक कर लीजिए, दबाइए कस के। तो भाई आप लोग को हॉर्न कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये हॉर्न बाहर से डलवाया। ठीक है, तो पप्पू जी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कर लेंगे, आप कर सकते हैं, आप तो इतना बता ही दिए। चलिए सबसे पहले क्या करना है, पहले क्लच को दबाइए, देखिए पहले गियर को समझ लीजिए। देखिए गियर को लगाना है तो सबसे पहले ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हल्का से जाइएगा, मतलब इस जगह पे जाके क्या होता है, रुक जाता है, और आपको ब्रेक गियर लगाना तो बहुत यहाँ जाने के बाद, देखिए यहाँ पे जाने के बाद रुक जाता है, उसके बाद हल्का से फोर्स करके धक लीजिएगा तब ये पीछे मतलब ये साइड आ जाएगा, और उसके बाद पीछे कीजिएगा तो ब्रेक गियर लग जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल इस तरह कीजिएगा तो यहीं पर आके यहाँ पर आके अटक जाएगा, उसके बाद फर्स्ट गियर डालना है। तो पहला गियर देखिए इस तरह डालिएगा, उसके बाद सेकेंड गियर उसी तरह, कार जैसा सेम है, सिर्फ ब्रेक जो है इसका यहाँ पे है, देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चला लीजिएगा। हाँ, चलिए गाड़ी को स्टार्ट कीजिए।
पप्पू जी क्या करना है, आप ही सिखाइए मेरे व्यूअर्स को किस तरह गाड़ी चलाना है। देखिए पहले हम क्लच दबाए, हाँ, और गियर, पहले एक गियर लगा लिए, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लच को छोड़ते जाएंगे धीरे धीरे उसे एक्सेलरेटर को लेते जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को मैं और एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि हाईवा में किस तरह के गियर, मतलब कितना स्पीड में कौन सा गियर चलाना चाहिए, तो यह सारा मेंशन है, देख सकते हैं। फर्स्ट गियर पे 6 का स्पीड तक, सेकंड गियर पे 12 का स्पीड तक, थर्ड गियर पे 19 की स्पीड तक, चार गियर में 26 की स्पीड तक, पांच गियर में 48 की स्पीड तक, और छह गियर में 60 की स्पीड तक। तो ये पूरा मेंशन किया गया है, देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से ये हवा को चलाना है। तो पप्पू जी हाँ चल, तो पप्पू जी स्टार्ट कीजिए। सेकंड गियर डालिए, थर्ड गियर, तो देखिए हम अभी फिलहाल गाड़ी से उतर चुके हैं और पप्पू जी को अकेला छोड़ दिए हैं, क्योंकि अकेले चलाने से ही कॉन्फिडेंस आता है। तो देख सकते हैं गाड़ी पे अभी कोई नहीं है, ठीक है पप्पू जी, चलिए जाइए एक बार आप गाड़ी को घुमा के लाइए। तो देख सकते हैं कि पप्पू जी कितने बेहतरीन, मतलब अच्छी तरह से गाड़ी को चला रहे हैं। बस पप्पू जी को एक बार समझाना जरूरी होता है कि पप्पू जी ये वाला फंक्शन इस जगह पे है, उसके बाद पप्पू जी इतना टैलेंट हो चुके हैं कि मत पूछिए, मतलब बहुत ही ये गजब का लड़का है। कोई भी एक बार सिखा दीजिएगा इसको तो ये अच्छी तरह से सीख जाता है। देखिए कितना मस्त गाड़ी चला रहा है। ओ भाई मुझे ठोकियो ना, ये ठोकेगा क्या? चलो चलो चलो, कैरी ऑन, गुड, प्रैक्टिस करो। पप्पू जी भाई, पप्पू जी तो सीख गया तो रुकता ही नहीं है। पप्पू जी एक बार गाड़ी को बैक करके दिखा दो यार, ठीक है? तो देख सकते हैं कि पप्पू जी अभी बैक करने वाला है गाड़ी को। तो बिल्कुल पप्पू जी अच्छी तरह से बैक भी कर ले रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? देख सकते हैं यार, मत पूछो, पप्पू जी एक्सपीरियंस है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं पप्पू जी कितना स्पीड चला रहा है गाड़ी को, और ये बहुत ही ज़बरदस्त धूल उड़ा दिए हैं पप्पू जी एकदम। वाह वेरी गुड पप्पू जी, शानदार शॉट आपने स्टंट करके दिखाया इस गाड़ी को। तो चलिए पप्पू जी से जानना चाहते हैं कि पप्पू जी को कैसा लगा होगा चलाने में। तो पप्पू जी एक बार आ जाइए बाहर। तो भाई आप बताओ कैसा लग रहा है? अच्छी फील हो रही है, मैंने इतना सोचा था कि मैं चला, बहुत अच्छी फील हो रही है क्योंकि मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं चला पाऊंगा। अच्छा, क्योंकि
ये गाड़ी जो है देखिए, पहले मैं कार चलाया था, इससे पहले मैं ट्रैक्टर भी चलाया था, ठीक है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा हट के था और ये बहुत बड़ा था, इससे इसमें बहुत सारी ज़्यादा सिस्टम था, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था, थोड़ा डर टाइप का लग रहा था, लेकिन आप उस डर को मेरे अंदर से हटा दिए। देखिए कोई भी चीज़ चलाइए जिंदगी में, कोई भी काम कीजिए, पहले डरिए मत, डरिएगा तो मरिएगा मरिएगा। जैसे मैं मेरे अंदर से करने से डर हटा दिए, वैसे ही आप भी अपना डर को घर पे छोड़ के आइए और कोई भी गाड़ी को हाथ लगाइए, यानी चलाना चाहते हैं तो चलाइए, देखिए आप चला पाते हैं कि नहीं। हम तो पूरा 100% बोल देंगे कि आप चला लेंगे। हाँ तो पप्पू जी, क्या ये वीडियो को क्या करना है थोड़ा बता दीजिए। देखिए ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत से सब वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग को जानकारी हो, आप लोग भी सीखें, ना कि हम अपने लिए बनाते हैं सब वीडियो। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करना है बाबू जी, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और सामने वाला बेल आइकन को प्रेस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।